नमस्कार स्पॉटलाइट लाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूं वैशाली चौधरी इस बार हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी राजकुमार सैनी एक ऐसा नाम जो अपने बिंदास बयानबाजी और ये कहें अगर हम कि विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं मशहूर हैं तो गलत नहीं होगा तो सीधे हमने अपने कुछ सवाल हैं कुछ डाउट्स हैं आपके भी और हमारे भी तो हम इन सब को मिलाकर हम आप पहुंचे हैं राजकुमार सैनी के पास उनसे हम जवाब जाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे राजकुमार सैनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत स्पॉटलाइट है नमस्कार पहला सवाल जो हमारा बनता है जो सब जानना भी चाहेंगे वो ये कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं तो आ, आ, इस पार्टी को लेकर जो सबके मन में सवाल है वो यही है कि इस पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा किस सोच के साथ इस पार्टी की शुरुआत आप कर रहे हैं देखिए मैम सबसे पहला तो धन्यवाद मैं आपका इसलिए करूंगा कि कम से कम आप भी उन के तरह मुझे विवाद, विवादित कहने में पीछे नहीं रहे जी। जो लोग देश में बवाल और विवाद खड़ा करके राजकुमार को विवादित बना रहे हैं। मैंने हैं। जी, मैंने जी, जी, देश जी। हित में ही हमेशा बात की, हमेशा राजनीति को सैक्रीफाइस कर दिया राजनीति से गली सड़ी राजनीति से दलगत राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं आज देश में बढ़ती आबादी इस देश की सभी योजनाओं की विफलता का कारण है हम इन सब समस्याओं के लिए पांच मुद्दों पर आधारित अपना एक राजनीतिक दल लेके आ रहे हैं जिसको जो आज तक की परिवारवाद जातिवाद की राजनीति है उससे हट करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का स्थापना दिवस दो सितंबर को पानीपत में मनाने जा रहे हैं और उसके अधिवेशन से हम अगली राजनीति स्टार्ट करेंगे ठीक है तो इसका जो मोटिव है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जी उसका मोटिव मेन मुख्य तौर पर आपका क्या रहने वाला है मैंने कहा कि देश के परिवार प्रजातंत्र को, को हाईजेक हाँ। है चोर दरवाजे से राज्यसभा में घुस करके सारी पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर बैठे हैं वहीं है वही टिकटाद खत्म करने की कोशिश में उस 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 परिवारवाद की राजनीति से अलग हट करके हम प्रजातंत्र की नींव डालने के लिए लोकतंत्र बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं जो अभी आपकी जो मौजूदा पार्टी है वो भी तो यही काम कर रही है कि इनकी जो मोनाफली है इन्होंने जो परिवारवाद फैलाया हुआ था उन्हीं को खत्म करने की कोशिश थी लेकिन आप बीजेपी पर भी बोलते हैं बिल्कुल आपने सही बात कही हाँ। कि बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास का कब्बा दे रही है और तो फिर कहा सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिल्कुल सुनना चाहिए जो पार्टी चौटाला और कांग्रेस हमें जो ढांचा देखा गए दलित शोषित पिछड़े वर्ग पे उसी ढांचे को बीजेपी गई पीछे सबका साथ सबका विकास का नारा देगा अच्छा। लेकिन ये 12 परसेंट बैकवर्ड समाज बावन परसेंट बैकवर्ड समाज जिस जो चपड़ासियों को लड़कों में सिर्फ 12 परसेंट तक मिला बावन की जगह 12 आज वो 13 नहीं हो सका सताई तो क्या होना था जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा 12 का वो 13 भी नहीं हो सका और चार साल निकल गए और सबका साथ सबका विकास हो रहा तो हम कहा खड़े हैं बस यही बात हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि कि भाषण भाषण होगा क्या ये तो मतलब आपको और... लगा कि बीजेपी ने चार साल में कुछ भी नहीं किया जैसा कांग्रेस का चला रहा था वही चीज उन्होंने आगे बढ़ाई जब तक देश के अंदर लोग अपने परिवारवाद राज्य और जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे इस देश को हम समुचित तौर पर आगे नहीं बढ़ा सकेंगे जी। देश को मोदी जी ने प्रयास किया है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन नीचे ढांचा तो राज्यसभा का बैठा है जो अपने वार्ड में पंच नहीं बन सकते वो देश में नाइन्टी परसेंट तो वही लोग बैठे हैं अकेला आदमी क्या करेगा जी। हम जैसे लोग जिनको जनता ने चुना चुन करके जिंदल जैसे व्यक्ति के खिलाफ भेजा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कमजोर तबके के हित को दिलाने के लिए बाहर सड़कों पर कागजान रहे और जो लोग हार करके गए वो गुलछर्रे उड़ा रहे वो देश को चला रहे ये गुलछर्रे कौन उड़ा रहे आप किस, किस आप की ये, ये आपका है आज ये देखिए वित्त मंत्री राज्यसभा हेल्थ मंत्री राज्यसभा एजुकेशन मिनिस्टर राज्यसभा पेट्रोलियम मंत्री राज्यसभा शिक्षा मंत्री राज्यसभा रेल मंत्री राज्यसभा डिफेंस मंत्री राज्यसभा कपड़ा मंत्री राज्यसभा आप ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री राज्यसभा अरे सारे तो राज्यसभा के लोग हैं जिन्होंने कभी दरवाजे ही नहीं देखे जनता का कि जन समस्याएं हैं क्या एक बार देखने के लिए गए और छिटपिट करके घर वहाँ पहुँच गए लोग चोर दरवाजे फिर ठीक है अच्छा तो ठीक है आएक, एक अच्छी सोच के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं लेकिन ये हम जानना जरूर चाहेंगे कि आपकी इस पार्टी में और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ या कोई और नेता बीजेपी के आपके साथ जुड़े हैं या फिर आप वन मैन आर्मी की तरह इसको इस मोटिव को आपने लिया है मैं इस गड़ी सड़ी राजनीति के एक बार जी इस सिस्टम में यही खेल बंद करना है कभी लोग कांग्रेस में हवा देखी कांग्रेस में हवा देखी बीजेपी में हवा देखी अच्छा मतलब में। जहां देखी वैसा बस महीने पहले चादर उठा करके अपने कांच में दे लेते हैं और फिर देखते हैं हवा किधर है और हवा वाले लोग जिनको जरूरत तो होती है वो उनको फिर आगे ला करके खड़ा कर देते हैं इसी गंदगी की सफाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ अच्छा और इसी मोटिव के साथ आप मैं बिल्कुल टीम तैयार करूंगा मतलब जिसमें कोई विवाद या जाती जाती ना पिछला जो कोई किसी व्यक्ति पे आक्षेप होगा ना कोई मुजरिम होगा मुजरिम लोग बहुत जी ना कोई मुजरिम होगा ना कोई पीछे से आरोपित तो होगा ऐसे फेस लाऊंगा आप जैसे जो जो है ना जनता में कम से कम अपना अपने भाव और अपने विचारधारा को ठीक है लेकिन ए, सर बड़ा एक वो है कि आप पर ही आरोप लगते हैं जातीय है समीकरणों को उछालने का या जाति जिससे कि हो जाए लोग या पर आरोप लगते हैं तो हम ये आपके जुबान से जरूर सुनना चाहेंगे जो आपका पक्ष है वो जानना चाहेंगे मैम हरियाणा के अंदर पांच मुख्यमंत्रियों ने जी एक ही जाति के भजन लाल बंसी लाल देवी लाल ओम प्रकाश चौटाला भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हरियाणा बावन साल का है जिसमें साढ़े तीन साल तो रहे भगवत लियाल शर्मा छः महीने दो साल बनारसीदास गुप्ता एक साल रावरिंदर सिंह साढ़े तीन वो और साढ़े तीन मनोहर लाल खट्टर के सात साल निकाल करके बावन साल में से पैंतालीस साल तक एक समाज का राज रहा उन्होंने अपने लोगों को दस परसेंट लोग हैं जिनको वो पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पचास भी बताते हैं कोई भी जाति नॉट मोर देन टेन परसेंट दस परसेंट लोगों के पास जातिगत तो व्यवस्था में आज साढ़े अड़सठ हजार नौकरी है और उनहत्तर हजार नौकरी है मैं तथ्यों बोल रहा हूँ ठीक 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 है ठीक है एक लाख छत्तीस हजार नौकरी दो लाख छह हजार का कागज ये है उनहत्तर हजार ये है दो पचहत्तर हुई ठीक है दो पचहत्तर में से एक चली गई एक सैथी रह गई नब्बे परसेंट लोगों के पास एक लाख सैंतीस हजार नौकरी और दस परसेंट लोगों के पास एक लाख जातिवाद को बढ़ावा मिला कि लोग अपनी जाति को तरजीह देते रहे सारे मुख्यमंत्री और अपने परिवारवाद जातिवाद क्षेत्रवाद को और परिवारवाद को बढ़ावा दिया इस बढ़ावे के खिलाफ ही हमें जंग लड़ रहा हूं कि आखिर इन परिवारों का राजतंत्र से भी घात, घातक परिवार तंत्र हो गया इस परिवार तंत्र की जड़ को हम कैसे निकालें और वास्तविक की स्थापना लोकतंत्र की स्थापना हम कैसे करें इसलिए को बचाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी धरातल पे आ रही है यानी वो समस्याएं वो मुद्दे जिससे आपके मुताबिक प्रदेश की जनता देखिए देखिए नब्बे परसेंट में बावन परसेंट बैकवर्ड समाज ठीक है बावन परसेंट बैकवर्ड समाज को मंडल आयोग की रिपोर्ट में बावन से देने की बात हुई सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज ना होने की वजह से इसको पचास सद... परसेंट से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए कहाँ लिखा संविधान में तो लिखा किसी को भी जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान के आधार पर न स्पेशल माना जाएगा न वंचित किया जाएगा लेकिन जो शोषित पिछड़ा है उसकी कहीं जुडिशरी में मिलिट्री में पॉलिटिक्स में कहीं उनकी रिजर्वेशन अपर साइड में नहीं है जुडिशरी में जज नहीं है और मिलिट्री में कोई एक्शन नहीं है जबकि किसको मानते हैं कि कमजोर आज भी अगर इतिहास तो हजारों हाँ लोग राव तुलाराम के नेतृत्व में मरे और गुजर मरे हजारों लोग मेरठ में और ब्राह्मण मरे महारानी लक्ष्मीबाई ये अपना जो है सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद वीर सावरकर मंगल पांडे ये सब ब्राह्मण समाज के जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर ली वो किसी की भी मिलिट्री नहीं है जो लोग अंग्रेजों के समर्थन में रहे उन्हीं को उपाधियां सर की मिली उन्हीं को सब कुछ मिला आज वही मिलिट्री, गुलाम भारत की मिलिट्री आजाद भारत में भी आज वही है सिस्टम को कैप्चर कर लिया गया सिस्टम ठीक करना था देश में प्रजातंत्र के लिए ठीक है जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम को कैप्चर किया गया है लेकिन कहीं कहीं कुछ ये बावन परसेंट लोगों को, को बारह से विस्तार से बात छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं राजकुमार सैनी के साथ और बहुत सारे सवाल है कुछ एक आरोप भी है जिनके भी जवाब हम जानना चाहेंगे तो आप बने रहिए हमारे साथ कहीं मत जाइए हम जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है हमारे साथ हैं राजकुमार सैनी आ, राजकुमार सैनी जी जाटों को लेकर आप लगातार बयानबाजी करते रहें आप पर आरोप भी लगता है कि ये जो एक क्या बोलूं कि ये जो माहौल खराब करना ये जो तनाव है इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो बयानबाजियां हैं लगातार वो भी जिम्मेदार हैं इस 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 आरोप को आप किस तरह से लेते हैं और इसका जवाब आपके पास क्या है मैम वैसे ये मैं में हुए संकोच नहीं करूँगा छोटा मुंह बड़ी बात हमेशा दूसरे को बुरी लगती है बड़ा आदमी कुछ भी बोल दे जी। वो सब आ, उसके श्लोक बन जाते हैं अमृत वाणी बन जाती है छोटा आदमी अगर अमृत बोल बोले तो वो तीर नजर आते हैं मुझे लगता है कि मैंने ये बात मैं जरूर कहूंगा कि कबीरा खड़ा बाजार में ना कबीरा खड़ा बाजार में ना कहा से दोस्ती ना कहीं से बैर जी हमारा किसी से दुश्मनी है किसी से बैर नहीं है हम तो बाजार में खड़े हैं ठीक है लेकिन आप आ, कहते हैं जी हाँ, कहिए लेकिन मेरा संविधानिक बोलना समानता पे बोलना और या भेदभाव के खिलाफ बोलना लोगों को पीड़ा नजर आती है वो मेरी जुबान को बंद करने का प्रयास करते हैं डरा के धमका के और आक्षेप लगा देते हैं कि ये जातिवाद फैला रहा है लोग जातिवाद को लोग जातिवाद को भाईचारे का नाम दे रहे जी। ये क्यों नहीं कहते कि इन भाइयों का बावन परसेंट लोगों का चारा बना लिया ठीक है भाईचारा नहीं सिर्फ चारा नहीं। इस चारे के पक्ष में बोलना ही मेरा जातिगत विरोध हो गया क्या इस तरह की बयानबाजी करना आपको सही लगता है जब मामला इस तरह से बढ़ जाए कि उस पर तनाव होने लगे एक व्यक्ति हमलावर हो रहा है एक आदमी डिफेंसिव हो रहा ठीक है हमेशा डिफेंस करने वाला आदमी अपने आप को बचाता है ऑफेंस नहीं कर सकता और ऑफेंसिव हमलावर होता है वो हमलावर हो रहे हैं मैं उनको रोकने का कि आगे खाई है मत जाइए लेकिन वो खाई को नहीं देख रहा वो मेरे मेरे टोकने को देख रहा है मैं कह रहा हूं कि अगर आरक्षण इस तरीके से देना था तो क्यों ना सौ परसेंट आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में सबका कर दिया जाए मैंने इसमें सौ परसेंट आरक्षण में कहा जाटों के विरुद्ध बोला था मैंने ये बोला था कि जब लोगों ने कहा कि दिल्ली का दूध बंद करें पानी बंद करें कि किसी के पापा के जगीर में बसता है आगे मुल्क कि हम दूध सब्जियां ये नहीं फिर भी नहीं कहा कि अगर वो बंद करेंगे हम टक्कर मारेंगे जा करके हमने कहा था कि हम कच्चे रास्तों से जा करके के किसी का दूध पानी बंद नहीं होने देंगे सबकी सेवा करेंगे उन लोगों ने रास्ते जाम कर दिए नहरें काट दी गई पानी बंद कर दिए गए इस बात को मैंने टोका

एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके या भड़का कर जनता को या जिस भी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं तो आप जट कैप्टन अभिमन्यु को क्या जवाब देना चाहेंगे इस उनके इस मंशा पर या उनके इस सवाल पर या उनके इस आरोप पर मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूँगा कम से कम आज आपने फर्स्ट टाइम ये सवाल पूछा अभी तक किसी ने पूछा नहीं कि हमारी दोस्ती भी हो सकती है नहीं ये तो पूछा सकल, तो नहीं मैं, मैं, तो... मैं तो उसको शकल से नहीं जानता <laughs> एक दिन सुबह सिंह सुमैन की शकल में मैंने सोचा कि यही यशपाल मलिक बैठा है जी। मैं आपको ये बता दूं कि यशपाल मलिक क्या चीज़ है अपने गांव में कभी वो अपने एरिया में यूपी में मतलब कभी एम एल नहीं एम भी नहीं बना ऐसे व्यक्ति यूपी से निष्कासित तो होकर हरियाणा के अंदर उन्होंने आके माहौल खराब किया उन्होंने तो सैकड़ों करोड़ चंदा इकट्ठा किया मेरा क्या कंपैरिजन है यशपाल मलिक से बिल्कुल नहीं यसपाल मलिकाल मलिक, जी, तभी बात मलिक इस देश का जी। एक किस्म से जो सबसे ज्यादा इस देश इस प्रदेश के अशांति भंग करने वाला एक किस्म से आतंक मचवाने वाला सबसे मेन रोल यशपाल मलिक का है रहेगी मेरे रोकने की बात अगर मैं किसी को टोकूंगा चोर को अगर कोई देख लेगा या टोक देगा लोग चोर जो है ना उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं बस यही मेरे साथ हो रहा है मैंने आप टोक दिया। क्योंकि आप सच बोलते हैं और साफ गोई आपकी आदत है उसकी वजह से जो आप सही भी बोलते हैं लोग आपको गलत ले लेते हैं हाँ उसको लोग विवादित बयानों में लेते हैं Like लेकिन अगर आप नहीं सर पर्सनल कुछ भी नहीं है ये तो वो चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं जो लोगों की बातें सुनते भी हैं पर्सनल है। <laughs> जी जी जी, जी आपने शुरू किया था मैंने उसके <laughs> जी, जी, दिया। जी बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी आप काफी कुछ बोलते रहते हैं मतलब कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते चाहे वो जो भी नहीं नहीं मैं उनको तो क्या मेरी नापसंदगी का कोई महत्व नहीं है जी इतना मैंने जरूर कहा किन बातों पर आपको आपत्ति होती है उनके उसमें देखिए रात में एक एंकर मेरे से पूछ रहा था कि आप मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपने कई बार क्रिटिसाइज किया और मोदी जी को नहीं किया मैंने कहा ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना अगर गलत है तो बताइए क्या कहूँ मैंने कहा कि ईमानदारी पर लोगों के लोगों का सवाल था मैंने कहा पूरा माइनिंग क्षेत्र बंद है हजारों हाँ ट्रक लूट करके प्रदेश का खजाना दिल्ली जा रहा है चला ये कारवा क्यों लूटा इधर उधर की बात मत कर ये बता कि ये कारवा क्यों लूटा इस प्रदेश के अंदर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देता है कि बैकवर्ड में किसी का किसी घुसपैठ नहीं चलेगी तो हमारी पार्टी का सेंट्रल स्टेट का क्या मकसद है उसकी पालना करना देश की यह लोगों को झूठ बोल करके कि हम आपको आरक्षण देंगे और उनको विधानसभा से तीन मिनट में पास करके देना ये कहाचित क्या था बैकवर्ड क्लासेस के ने आपको वोट दिए नब्बे परसेंट उनका पक्ष लेने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की पालना करने की बजाय आप डंडे के आगे झुक करके तड़बे चाटने लगे इस बात पर हमें आपत्ति है चलिए मेरा आखिरी सवाल जाते जाते अब नई पार्टी आप शुरू कर रहे हैं आपने अपना एक विजन बताया है कि तमाम जो समस्याएं हैं या फिर जिस वजह से जनता त्रस्त हो रही है जनता परेशान हो रही है उन मुद्दों को आप आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेंगे उनको आप मिटाना चाहेंगे तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी पार्टी से वो क्या उम्मीदें रखें हम भी उम्मीद करेंगे कि वो उम्मीदें उनकी पूरी बहुत अच्छी बात कही लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस देश में सही प्रजातंत्र कैसे कायम हो जी ये हमारा विजन है मेरा पहला विजन है कि हम जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था को तोड़ नहीं सकें हम सबको आरक्षित कर देंगे वैसे आज भी सिक्किम में सौ परसेंट आरक्षण है और सेवेंटी नाइन सिक्सटी नाइन परसेंट भी आरक्षण कई प्रदेशों में है हम सौ परसेंट आरक्षण कर देंगे नेता फिर किसी भी जात का है वह दूसरी जाति के हितों को छीन नहीं सकेगा सभी जातियों को जब उनका हिस्सा मिल जाएगा उसमें आरक्षण में आरक्षण कर देंगे पद मेरिट किसी किसी का का हिस्सा हिस्सा जाति मान लीजिए है उसके दो परसेंट लोग मेरिट वाले दो परसेंट लोग वीकर सेक्शन के और एक बार किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ ले लिया दोबारा हम उसको आरक्षण कभी देंगे नहीं जब एक बार आरक्षण ले लिया हम कह रहे हैं कि जो देश आप इससे दन... देश, द... हाँ, हाँ, देश, देश, दे इस देश की गरीबी नहीं हट सकती गरीबी को हटाने के लिए हाथ को काम देना होगा काम मिलेगा हमारे खेत में इंडस्ट्री में ये जो चोर है जो चोर दरवाजे से कुछ बैठे ये सदन को खत्म होने नहीं देना चाहते ठीक है और आप